हिंदी सिनेमा में माँ के किरदार को जीवंत व कालजयी बनाने वाले अभिनेत्री निरूपा रॉय की आज जयंती है। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के बलसाड़ में हुआ। निरूपा के बचपन का नाम कोकिला किशोर चंद बलसारा था। 15 साल की उम्र में ही कोकिला की शादी हो गई थी, तब वो पढ़ाई कर रही थी। निरूपा ने अपने करियर की शुरुआती दौर में कई भक्ति फिल्मों में काम किया। भक्ति फिल्मों में काम करने की वजह से निरूपा घर घर में देवी के रूप में जानी जाने लगी। करियर के शुरुआती दौर के बाद निरूपा रॉय ने माँ के किरदार को पर्दे पर साकार करना शुरू किया। माँ के किरदार को पर्दे पर साकार करते करते निरूपा माँ के रोल में इस कदर लीन हो गईं कि उस दौर के हर कलाकार की माँ का रोल उन्हें मिलने लगा, जिसमें वो करीब लाचार माँ के रूप में पर्दे पर नजर आने लगीं। पर्दे पर यूं तो निरूपा ने हर बड़े कलाकार की माँ का रोल अदा किया, लेकिन जो प्रसिद्धि निरूपा ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की माँ का रोल करने के बाद पाई, वो किसी दूसरे के साथ नहीं मिली। फिल्म दीवार का वो संवाद आज भी हर किसी को याद है, मेरे पास माँ है। इसी फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को भला कौन भुला सकता है, जिसमें अमिताभ और निरूपा एक दूसरे से आखिरी पलों का करुणामय संवाद करते हैं। अमिताभ बच्चन की माँ के रूप में पर्दे पर निरूपा रॉय का अलग ही रूप देखने को मिलता था। सिनेमाई स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के साथ माँ के रूप में ये जोड़ी ऐसी लगती थी कि जैसे वाकई में निरूपा रियल लाइफ में भी अमिताभ बच्चन की माँ हो। माँ का रोल सिनेमा पर्दे पर देखते देखते लोग देवी के अवतार को भूल गए और बाद में हिंदी सिनेमा में निरूपा रॉय को पर्दे पर बेहतरीन माँ का किरदार अदा करने के लिए बेस्ट ऑन स्क्रीन माँ का खिताब दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निरूपा को उनकी पहली फिल्म कैसे मिली? इसके पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है, जिसे खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान निरूपा रॉय ने बताया था। निरूपा के मुताबिक फिल्मों को लेकर उनके माँ बाप की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, लेकिन पति कमल रॉय फिल्मों के शौकीन थे और वो अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते थे। शादी के बाद एक फिल्म में काम करने के लिए पति कमल रॉय को ऑडिशन देना था, इसीलिए निरूपा भी साथ गईं। ऑडिशन में पति तो रिजेक्ट हो गए, लेकिन निरूपा सेलेक्ट हो गईं। इसके बाद पति कमल रॉय की हामी के बाद कोकिला यानी कि निरूपा रॉय को एक गुजराती फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया। गुजराती फिल्म से शुरू हुए इस छोटे से किरदार ने कोकिला को निरूपा रॉय बना दिया। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें डायरीज़।